गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ। आज आपका प्रश्नावली है 4.3, जिसमें प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित दो घात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आपका ये मानक द्विघात समीकरण है, जिसको हम कहते हैं ax2 + bx + c = 0। तो इसमें आपको दो प्रतिबंध दिए गए हैं, ये b2 - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। और दूसरा है ये b2 - 4ac इज लेस देन 0, तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होंगे। तो इन दोनों प्रतिबंधों का प्रयोग करना है और आपको कह रहा मूल सूत्र, मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना। तो मूल द्विघाती सूत्र होता है x = -b + √(b²) - 4ac/2a, इसका प्रयोग करना है। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं, 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले हमें a, b, c इनका मान लिखना होगा। तो इसकी तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो a के स्थान पर आपका क्या है 2, तो a = 2। b के स्थान पर -7, तो b = -7 और c = 3, तो a, b, c का मान हुआ। अब हमें देखना है कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रयोग करना है d = b²- 4ac, ये फार्मूला है d = b²- 4ac। अब b का मान कितना है -7 का² - 4 × a का मान 2 × c = 3, तो -7 का² अब माइनस का स्क्वायर होगा तो -7 = 49, -4 × 8 = 24, 8 × 3 = 24। अब इसको माइनस करेंगे 25, ये जो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। अब अभी आपको बताया गया b²- 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। अब वास्तविक व समान होंगे, अब हमें इनका ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मूल द्विघाती सूत्र क्या है, x = -b + √(b²) - 4ac/2a। तो b का मान -7 - √(b - 7)² - 4 × a = 2 × c = 3 अपान 2 × a, a की वैल्यू है 2। तो x = -±√(√)। अब -7² = 49 - 4 × 8 = 24 / 2 × 4, तो x = 7 + −√(√)। अब 49 में से 24 माइनस करेंगे 25/4 = 7 + −, अब 25 का √(5/4). अब यहाँ देखिए प्लस माइनस है, तो एक बार हम प्लस साइन लिखेंगे एक बार माइनस, तो प्लस चिन्ह लेने पर
तो ये x बराबर 7 प्लस 5 अपान 4। तो x इक्वल 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 अपान 4, 4 3 जा 12, तो x इक्वल 3। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 अपान 4, तो x इक्वल 7 माइनस 5 2 अपान 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 अपान 1 अपान 2, तो x इक्वल 3 कामा 1 अपान 2। ये द्विघात समीकरण के मूल हैं आपके, यह 3 कामा 1 बटा 2। ठीक, इस प्रकार आपको अगले खंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेष अगला दोनों खंड आपको स्वयं करना है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं। थैंक्स।